जब तक पीके इनके लिए काम कर रहा था तो सब कुछ ठीक था, आज पीके जब पश्चिम बंगाल में काम करने आया तो सब कुछ गलत हो गया। पीके ने अगर कहा है चुप रहने के लिए तो ये पीके और दीदी का पर्सनल मैटर है। अगर तथागत राय गलत अल्फाज जिस तरह से आज के पेपर में उनका स्टेटमेंट आया है, जिस तरह से उन्होंने टीम के बारे में जो अंडा का एक एग्जाम्पल देकर बात किया, तो उसका बस एक ही है, हो सकता है कि किसी तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उकसाने की कोशिश की जा रही है। अभी दिलीप घोष ने भी खुद ही अनाउंसमेंट किया है कि बंगाल में कोरोना खत्म हो चुका है। तो राहुल सिन्हा पहले दिलीप घोष से सवाल करें कि कोरोना खत्म हो गया है, अगर खत्म हो गया था तो ठीक है लोग मास्क नहीं पहन रहे, और अगर खत्म नहीं हुआ है तो फिर लोग मास्क पहने तो दिलीप घोष को भी मास्क पहनना चाहिए, उनको भी पब्लिक जो गैदरिंग कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी और निजी कार्य के खिलाफ मटिया बुरुज के गार्डन निच इलाके में एक एहतजाजी रैली का अहतमाम किया गया, जिसकी क्यादत तृणमूल कांग्रेस की रहनमा और कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा अख्तरी निजामी शहजादा, तृणमूल कांग्रेस के रहनमा साकिबुद्दीन शहजादा उर्फ बॉबी शहजादा और शादाब शहजादा ने की। इसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और इस एहतजाजी जुलूस को कामयाब बनाया, जिसमें मरकजी हुकूमत से रोजगार देने की मांग की गई और कहा गया क्या हुआ तेरा वादा जो तूने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। इस मौका पर मौजूद साकिबुद्दीन शहजादा ने क्या कहा, आइए सुनिए। देखिए राहुल सिन्हा को मटिया बुरुज दिखेगा, पाक सर्कल दिखेगा, राजा बाजार दिखेगा, खिदिरपुर दिखेगा, ये उनका नेचुरल वो है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगह पे बिहार से बहुत सी जगह देखा है जहाँ पर देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, या बहुत से आप बड़ा बाजार एरिया में चले जाइएगा, बीजेपी के खुद बहुत सारे नेताओं को देखा है। आपको अभी दिलीप घोष ने भी खुद ही अनाउंसमेंट किया है कि बंगाल में कोरोना खत्म हो चुका है। तो राहुल सिन्हा पहले दिलीप घोष से सवाल करें कि कोरोना खत्म हो गया है, अगर खत्म हो गया था तो ठीक है लोग मास्क नहीं पहन रहे, और अगर खत्म नहीं हुआ है तो फिर लोग मास्क पहने तो दिलीप घोष को भी मास्क पहनना चाहिए, उनको भी पब्लिक जो गैदरिंग कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। ये राहुल सिन्हा ही ने कहा है कि 2019 में हमने तृणमूल को आधा कर दिया और 2021 में हम पूरा सफाई कर दिया। ज्यादा वक्त नहीं है 2021 में, 2019 में जो खेल खेला गया था बंगाल की जनता इसको समझ गई है, 2021 में ज्यादा वक्त नहीं है, सब क्लियर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से ममता बनर्जी ने और हम लोगों के एक्स मेयर जो अभी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन है, जिस तरह से अम्फान के टाइम में जो काम किया है, पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अम्फान के पूरे दौर पर साथ ही साथ लॉकडाउन को एक साथ कंट्रोल किया है, उसका रिजल्ट आपको 2021 में मिला। मटिया बुरुज के लोगों को यही पैगाम हमेशा, हम लोग जब भी यही आप लोग पूछते हैं तो एक ही बात बोल रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले मटिया बुरुज को लोगों को एक साथ यूनिटी के साथ काम करना है, मुत्तहिद होना है, अपने जाति मुफाद को साइड करके किस तरह से इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, किस पार्टी को चुनना है, सबको एकजुट होकर एक साथ होकर फैसला करना है। श्रीमती ममता बनर्जी और जनाब प्रसाद अकील के कदम को, उनके आवाज को बुलंद करना, मजबूत करना। जरा तथागत राय ने कहा है कि दीदी को पीके ने बोलने से मना कर दिया, इस तरह से मैंने पीके ही जो बोलते हैं, जब तक पीके इनके लिए काम कर रहा था तो सब कुछ ठीक था, आज पीके जब पश्चिम बंगाल में काम करने आया तो सब कुछ गलत हो गया। पीके ने अगर कहा है चुप रहने के लिए तो ये पीके और दीदी का पर्सनल मैटर है। अगर तथागत राय गलत अल्फाज जिस तरह से आज के पेपर में उनका स्टेटमेंट आया है, जिस तरह से उन्होंने टीम के बारे में जो अंडा का एक एग्जाम्पल देकर बात किया, तो उसका बस एक ही है, हो सकता है कि किसी तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात वो भूल रहे हैं कि जिसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं उनका बचपन से लेकर आज तक का टाइम जो है पॉलिटिक्स नहीं गुजरा, वो ऐसे ऐसे कितने लोगों को किस तरह से हैंडल कर चुके हैं वो कब तक ट्राई नहीं कर सकते।